चमासान.com में हूँ आपके साथ दीक्षा भानुप्रिया। कल स्वतंत्रता दिवस पर रिलीज हुई दोनों फिल्मों को पहले ही दिन दर्शकों का काफी अच्छा रिस्पांस मिला है। अक्षय कुमार की फिल्म मिशन मंगल को जहां बेस्ट ओपनिंग फिल्म बनी, तो वहीं दूसरी ओर जॉन अब्राहम की फिल्म बाटला हाउस ने पहले ही दिन अपने रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर ली है। फिल्म बाटला हाउस ने पहले ही दिन करीब 14,59,00,000 रुपए की कमाई की है। वहीं इस फिल्म को बनाने में 14 करोड़ रुपए लगे हैं, यानी इस फिल्म ने अपनी लागत से पहले ही दिन उससे ऊपर कमाई कर ली है। हालांकि बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म आंकड़ों के हिसाब से पीछे रही हो, लेकिन कारोबारी के हिसाब से बाटला हाउस ने मिशन मंगल को पीछे छोड़ दिया है। अक्षय कुमार की फिल्म के पहले दिन की 29 करोड़ रुपए की कमाई में फिल्म रिलीज करने वाले 3,000 थिएटर का खर्चा भी बढ़ने वाला है। वहीं बाटला हाउस ने उनसे कहीं कम थिएटर में जगह मिलने के बावजूद करीब 14 करोड़ रुपए कमा लिए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फिल्म मिशन मंगल को बनाने में करीब 32 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं, वहीं दूसरी ओर बाटला हाउस को बनाने में सिर्फ 14 करोड़ रुपए लगे हैं। अक्षय कुमार और जॉन अब्राहम के बीच पिछले साल भी 15 अगस्त पर सीधा मुकाबला हुआ था। तब अक्षय कुमार की फिल्म गोल्ड ने बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन 25 करोड़ 25 लाख रुपए और जॉन अब्राहम की फिल्म सत्यमेव जयते ने 20 करोड़ 52 लाख रुपए की कमाई की थी। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।